हेलो स्टूडेंट्स, यू वेलकम टू अग्नि केमिस्ट्री क्लासेस। माई सेल्फ सुधीर अरोड़ा। आज हम डिस्कस करेंगे अल्कीन्स के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हम नोटिस करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर हम एटम को कंसीडर करें तो एक एटम जो होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और सराउंडिंग ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, और इसी के चारों तरफ जो सर्कल्स बने होते हैं, जो ट्रैक है जिसपे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है अपने पर्टिकुलर पोजीशन पे ही मूव करता है और उस ट्रैक पे भी चलता रहता है, उसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। यानी ऑर्बिटल वो लोकेशन है, वो पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना मैक्सिमम है। अब हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, मैं दोबारा इसको रिव्यू करना चाहूँगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो बॉन्डिंग होती है वो एटम के द्वारा की जाती है जस्ट अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, क्योंकि ऑक्टेट जो होता है आउटर शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एटम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, वो एक संतुलन प्रोवाइड करता है, जैसा कि इनर्ट गैसेज है, आर्गन है उसके केसेस फॉर एग्जाम्पल। तो इस वजह से हर एटम 8 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर शेल में रखना चाहता है, तो इस वजह से बॉन्डिंग प्रमोट की जाती है। अब जब बॉन्डिंग प्रमोट होगी तो इलेक्ट्रॉन्स के जो ऑर्बिटल्स होंगे वो मिक्स होने की कोशिश करेंगे, ताकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कम से कम 8 की संख्या में ऑक्टेट पूरा करें वो। तो इस वजह से हाइब्रिडाइजेशन इसमें हमारी हेल्प करती है। तो कार्बन जो होता है अलग अलग तरीक़ों से हाइब्रिड ऑर्बिटल क्रिएट करता है डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। सपोज हम अल्कीन की बात करें यहाँ पर। अब हाइब्रिडाइजेशन की एग्जैक्ट अगर डेफिनेशन देखें तो वो होती है कि इट इज़ अ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी लेवल, हाँ शेप्स डिफरेंट हो सकते हैं, टू गिव राइज टू हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी लेवल। अब हाइब्रिड वर्ड यूज करें, जैसे एस और पी ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं अलग अलग शेप के, तो एक हाइब्रिड क्रिएट करते हैं। हाँ, उनका शेप सेम हो जाता है बाद में, क्योंकि जो मिक्स ऑर्बिटल क्रिएट हो रहा है हाइब्रिड ऑर्बिटल उसका शेप सेम है, और जितने ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं उतने ही ऑर्बिटल पैदा हो रहे हैं। सपोज sp2 है तो एक s 2p मिक्स हो रहे हैं तो तीन ऑर्बिटल पैदा होने चाहिए। तो sp sp2 sp3 इस तरीके से तीन तरह की हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पर। नेक्स्ट जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनके शेप्स होते हैं, जैसे कि अगर sp ऑर्बिटल की बात करें तो वो लीनियर शेप का होता है, यानी कि ऑर्बिटल्स एक प्लेन में है लेकिन वो हमारा लीनियर शेप दे रहे हैं एक तरीके से, 180 डिग्री का एंगल है यहाँ पर। अगर हम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करें तो 120 डिग्री का एंगल है और प्लेनर ट्रायंगुलर होते हैं, यानी कि तीन लोब्स होते हैं और एक ही प्लेन में होते हैं अगेन। और sp3 की बात करें तो सारे के सारे 109.5 डिग्री एंगल पे हैं और ये टेट्राहेड्रल शेप में है। ये तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन एग्जैक्टली क्या होती है। जब एक s और दो p ऑर्बिटल मिक्स होते हैं और एक न्यू sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देते हैं, यानी कि तीन की संख्या में बना देते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो उसको हम कहते हैं sp2 हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन। देखिए हमने इसमें दिखा भी रखा है, इसमें तीन ऑर्बिटल्स हैं जो कि sp2 हैं और तीनों एक प्लेन में भी और 120 डिग्री के एंगल पे आपस में, तो इस तरीके से इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो टॉप व्यू दिखाया है, जो दिखा रहे हैं कि 120 डिग्री के एंगल पे हैं, और ये साइड व्यू दिखाया है इसमें sp2 तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। और नेक्स्ट यहाँ हमने अल्कीन का एग्जांपल दिया, देखिए जिसमें एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है कार्बन के अंदर, जैसे कि इसमें भी दिखाया गया ये जो पी ऑर्बिटल है ये पर्पल कलर का, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, और जो तीन जो ऑरेंज कलर के दिखाई ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो जब अगर सपोज इस तरह के दो कार्बन अगर मिलाए जाए जो दोनों sp2 की स्टेट में है, तो ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है ये साइडवेज ओवरलैप करेगा, और ये ऑरेंज वाले sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये अलोंग द एक्सिस मर्ज हो जाएंगे। तो ये sp2 इस कार्बन का दूसरे कार्बन के sp2 के साथ मिलके सिंगल बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ये जो ऊपर स्टैंडिंग वाला p वाला है ये साइडवेज ओवरलैप करेगा, जिस वजह से इस तरह का, देखिए इसमें दिखा रखा है हमने, यहाँ पर दो कार्बन है, ये sp2 दोनों के ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं, और ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जो ऑरेंज कलर के दिखाए हैं स्टैंडिंग वाले, ये हमारे साइडवेज ओवरलैप कर रहे हैं, तो सिग्मा बॉन्ड उधर क्रिएट होता है, ये पाई बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं फिर,
और ये जो हाइड्रोजन जो हमने दिखा रखे हैं 1, 2, 3, 4 लाइट ब्लू कलर के, ये जो है हमारे ये 1s1 ऑर्बिटल है, जो कि कार्बन की जो sp2 ऑर्बिटल होती है उन दोनों के साथ क्लब करके बॉन्ड बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का sp2 हाइब्रिडाइजेशन का एक छोटा सा रिव्यू। आई होप यू वुड हैव लाइक्ड इट। सो हाइब्रिडाइजेशन यानी कि एटम्स ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स एटम क्या होता है, एक ऐसा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरी करते हैं एटम टू एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। नेक्स्ट ऑर्बिट क्या है, वो ट्रैक है जिसपे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ऑर्बिटल का है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करता है खुद अपनी पर्टिकुलर प्लेस पे। हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो बॉन्डिंग की वजह से मोटिवेटेड होती है, इट्स सॉर्ट ऑफ इंटरनल प्रिपरेशन लाइक फ्रॉम कार्बन एंड इट इज इन्वॉल्विंग मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी लेवल टू गिव राइज टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी लेवल अगेन। शेप्स फॉर डिफरेंट अर्लियर बट लेटर ऑन शेप बिकम सेम, जैसे sp मिक्स होते हैं, s की अलग शेप है, p की अलग शेप है, लेकिन जो sp2 निकलेगा या sp निकलेगा या sp3 निकलेगा उसका शेप सेम रहेगा, संख्या उतनी रहती है जितने मिक्स होते हैं, यानी अगर दो मिक्स हो रहे हैं ऑर्बिटल्स तो दो होंगे, तीन हो रहे हैं तो तीन होंगे, तो इस तरीके से वर्क करता है। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप क्या होती है, ये लीनियर होते हैं sp के केस में और प्लेनर ट्रायंगुलर होते हैं, प्लेनर मीन्स एक प्लेन में, ट्रायंगुलर मीन्स तीन, प्लेनर ट्रायंगुलर होते हैं sp2 के केस में और टेट्राहेड्रल होते हैं sp3 के केस में। और बेसिकली ये इसमें दिखाया गया है स्ट्रक्चर 120 डिग्री के एंगल पे, तीनों एक ही प्लेन में है। यहाँ पर देखिए टॉप व्यू से तीनों एक प्लेन में दिख रहे हैं और जो p ऑर्बिटल है वो स्टैंडिंग दिख रहा है वायलेट कलर का, ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। एक छोटा सा एग्जांपल है इथाइलिन का दिया हमने, जिसमें दोनों कार्बन है जो कि sp2 की स्टेट में है, दोनों अलोंग द एक्सिस मर्ज कर रहे हैं, तो sp2 बॉन्ड बना रहे हैं आपस में, सी सिंगल बॉन्ड सी सिग्मा बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं और साइड में 1s1 हाइड्रोजन से मिक्स होके सिग्मा बॉन्ड और क्रिएट कर रहे हैं, और जो स्टैंडिंग अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल है वो साइड में ओवरलैप से पाई बॉन्ड क्रिएट कर रहा है। तो फ्रेंड ये था हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। थैंक यू वेरी मच।